नमस्कार दोस्तों, तकरीबन 22-23 साल पुरानी परियोजना रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन अब विभिन्न जगहों पर आकार लेती हुई नजर आ रही है। आज हम आपको दिखा रहे हैं इसके नए जंक्शन पॉइंट संत हिरदाराम नगर से श्यामपुर की ओर जाने वाला सेक्शन का कार्य कितना हुआ है और कितना इसमें बाकी चल रहा है और आगे इसकी क्या क्या संभावना है उसके बारे में छोटी सी चर्चा। सामने आप देख रहे हैं यह ट्रैक हमारा श्यामपुर की ओर जाने वाला ट्रैक है। हमारी ट्रेन आ रही है बकानिया भोरी यानी कि सीहोर तरफ से संत हिरदाराम नगर की ओर। यहाँ पर यह ट्रैक थोड़ी सी दूरी पर संत हिरदाराम नगर से पहले आकर हमारी लाइन के साथ साथ चलता है, लेकिन मोटे तौर पर विभिन्न जगहों के कार्यों को देखने के पश्चात में निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि इस परियोजना के तैयार होने में अभी भी कम से कम 2 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी भी कई बड़े कार्य इस परियोजना में किए जाना बाकी है, जिसमें कि ब्यावरा में नेशनल हाईवे पर बड़े ब्रिज और हमारे संत हिरदाराम नगर से श्यामपुर के सेक्शन में भी हाईवे पर बड़े ब्रिज बनाने का कार्य शामिल है। साथ ही एक बड़ा नदी पर ब्रिज बनाया जाना है, पार्वती नदी का वह ब्रिज बनाया जाना। हमने पिछली अपडेट जो कि हमने कुरावर से श्यामपुर सेक्शन के बारे में बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि अभी तक उस ब्रिज के कार्य को शुरू ही नहीं किया गया है। और यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर श्यामपुर से संत हिरदाराम नगर का इस परियोजना का हिस्सा, कहने को निषादपुरा से लगा के संत हिरदाराम नगर तक का सेक्शन रेलवे के द्वारा कमीशन कर दिया गया है, लेकिन वह सेक्शन हमारे संत हिरदाराम नगर से निषादपुरा जाने भोपाल जाने के लिए काम आ रहा है। संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर जो 2 नए प्लेटफार्म बनकर तैयार हो चुके हैं उनका कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। वजह है कि अभी तक यह मेन लाइन यानी कि हमारा जो पुराना सेक्शन है भोपाल उज्जैन सेक्शन, इससे लिंक नहीं किया गया। ये आप देख रहे हैं संत हिरदाराम नगर का यार्ड जो कि हमारे श्यामपुर जाने वाले सेक्शन की 2-3 नई लूप लाइनों के साथ साथ एक मेन लाइन भी तैयार यहां पर हो चुकी है, परंतु यह अभी केवल देखने के ही काम आ रही है। साथ ही जैसा कि हमने बताया प्लेटफार्म भी अभी केवल शोपीस ही बने हुए हैं, क्योंकि इन पर कोई भी ट्रेन आ व जा नहीं सकती हमारे पुराने सेक्शन में से। यहाँ पर जो लाइन है संत हिरदाराम नगर से भोपाल की ओर जाने वाला जो सेक्शन है, वह निषादपुरा जाने वाले संत हिरदाराम नगर सेक्शन से कनेक्ट हो चुका है और कभी कभी उस पर हमें ट्रेनें भी दिखाई देती है। ये हमारी गाड़ी अब प्लेटफार्म नंबर 2 पर प्रवेश कर रही है जो कि पुराना प्लेटफार्म था। नए प्लेटफार्म यहाँ पर 2 बनाए जा रहे हैं, साथ ही नए ओवरब्रिज का कार्य भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो कि प्लेटफार्म नंबर 4 जो कि नया बनाया हुआ है उससे प्लेटफार्म नंबर 3 को कनेक्ट करेगा। और जैसा कि कहा जा रहा था कि जो पुराना ब्रिज है उसको ही एक्सटेंड किया जा सकेगा, वह फिलहाल में अभी तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। साथ ही यहाँ से श्यामपुर जाने वाले सेक्शन में भी अभी आपने देखा कि कुछ जगहों पर ट्रैक का लिंकिंग करने का कार्य बाकी है, साथ ही जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर भी अभी ट्रैक नहीं बिछाया जा सका है। जल्दी ही हम आपको खिलचीपुर ब्यावरा सेक्शन की भी अपडेट दिखाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन का तैयार प्लेटफार्म जो कि शोपीस बना हुआ है वह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात भी इस प्लेटफार्म का कोई फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। साथ ही रेलवे सेक्शन जो कि काफ़ी व्यस्त है उसमें भी नए प्लेटफार्मों का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। तो दोस्तों यह थी छोटी सी अपडेट इस महत्वपूर्ण परियोजना की, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।